चित्रकूट के बारे में कहा गया है, कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अर्थात चित्रकूट के पर्वत कामदगिरी भगवान राम के आशीर्वाद से सारे कष्टों और परेशानियों को हरने वाला है। चित्रकूट की ये महिमा यहाँ के संतों और ऋषियों के माध्यम से ही अक्षुण्ण बनी हुई है। और पूज्य श्री रणछोड़दास जी ऐसे ही महान संत थे। उनके निष्काम कर्मयोग ने मुझ जैसे लक्षावधि लोगों को हमेशा प्रेरित किया है। और जैसा सबने उल्लेख किया, उनका ध्येय और बड़ा सरल शब्दों में, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र, दृष्टिहीन को दृष्टि, इसी सेवा मंत्र के साथ पूज्य गुरुदेव पहली बार 1945 में चित्रकूट आए थे और 1950 में उन्होंने यहां पहले नेत्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसमें सैकड़ों मरीजों की सर्जरी हुई थी, उन्हें नई रोशनी मिली थी। आज के समय हमें ये बात सामान्य लगती होगी, लेकिन 7 दशक पहले ये स्थान लगभग पूरी तरह से वनक्षेत्र था। यहाँ न सड़कों की सुविधा थी, न बिजली थी, न जरूरी संसाधन थे। उस समय इस वन क्षेत्र में ऐसे बड़े संकल्प लेने के लिए कितना साहस, कितना आत्मबल और सेवा भाव की क्या पराकाष्ठा होगी, तब ये संभव होगा। लेकिन यहाँ पूज्य रणछोड़दास जी जैसे संत की साधना होती है, वहाँ संकल्पों का सृजन ही सिद्धि के लिए होता है। आज इस तपोभूमि पर हम सेवा के ये जितने बड़े बड़े प्रकल्प देख रहे हैं, वो उसी ऋषि के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने यहाँ श्री राम संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कुछ ही वर्ष बाद श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का गठन किया, जहां कहीं भी विपदा आती थी पूज्य गुरुदेव उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखे से ग्रस्त इलाकों में उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से कितने ही गरीबों को नया जीवन मिला।